शिक्षक दिवस के दिन सहायक आयुक्त खाद्य प्रयागराज मंडल तथा श्रीमती हेमलता गोस्वामी जो कि मंडली खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को साथ लेकर नैनी पर खाद्य उत्पादन से जुड़े हुए दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। इसी छापेमारी में उन्होंने दिलीप सेवई भंडार जो कि नैनी में स्थित है छापा मारा। वहाँ पर बिना साफ सफाई के चल रहे सेवई उत्पादन को देखकर यह सब लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य हुए। उन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई अवैध पते पर संचालन, गलत रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सेवइयों के उत्पाद से जुड़ा हुआ था। यही नहीं, इन्होंने दूसरा छापा हिंद सेवई केंद्र पर भी मारा। कुल मिलाकर इन छापों से यह बात साफ हो गई कि प्रयागराज जैसे इलाकों में नकली खाद्य उत्पादन का धंधा जोरों पर है और इस धंधे पर कार्रवाई कभी कभी विभाग जो करता है उससे इस बात की तरफ भी इशारा है कि विभाग को चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जमीन पर उतरने की जरूरत है। इस पूरे कार्रवाई में इन्होंने कई सौ किलो सेवइयों का जब्त करना और कई लाख रुपए की सेवइयों की कीमत वाली यह पूरी की पूरी कार्रवाई का एक हिस्सा बना। लेकिन सवाल अभी भी उठता है, क्या समाज में इस तरीके से गलत अवैध तरीके से उत्पादन करने वाले दुकानदारों के लिए कोई नैतिक ड्यूटी बची है क्या? अगर नहीं तो इन पर कार्रवाई करेगा कौन और कार्रवाई कितनी और कितनी बार होगी, यह पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि दुकानें ज़्यादा हैं, कार्रवाई करने वाले अधिकारी कम हैं और खाद्य महकमे की मिली भगत के बिना इस तरीके की कार्रवाई असंभव है। यह तो आला अधिकारी थे जो चाक चौबंद व्यवस्था के साथ कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे, वरना छोटे अधिकारियों के साथ मिलजुल कर यह गोरख धंधा कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, यह सवालिया निशान पहले भी था और आज भी है। बहरहाल खाद्य विभाग के द्वारा की गई यह कार्रवाई काबिले तारीफ है। इससे कम से कम उन दुकानदारों को जो बेधड़क होकर के अभी तक अवैध रूप से गलत रजिस्ट्रेशन के साथ या बिना साफ सफाई के खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगे थे, उनको कुछ सीख मिलेगी। यह पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारे साथी हरिशंकर ओझा ने प्रयागराज से भेजी थी।